चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर वन देखिए सभी लोग। यूनिक कंस्ट्रक्शन अंडर टूक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो एट वाशी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ रुपीज 10 लाख। ठीक है, यूनिक कंस्ट्रक्शन कौन रहेगा बोलिए? कॉन्ट्रैक्टर। कौन रहेगा? कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको इमेजिन क्या करना है, आप कौन हो? कॉन्ट्रैक्टर हो, आप कौन हो? कॉन्ट्रैक्टर हो, और आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है बोलिए? किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट लिया है? बंगलो बनाने का है। कहाँ पे बनाने का है? वाशी में। और उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 10 लाख। इज इट क्लियर? फिर अदर इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, मटेरियल में कितना खर्चा हो गया? 5 लाख। लेबर में कितना खर्चा हो गया? 3 लाख। और ओवरहेड्स कितना हो गया? 1 लाख। और यहाँ पे क्या बोला है? द कॉन्ट्रैक्ट इज फुल्ली कंप्लीटेड। द कॉन्ट्रैक्ट इज फुल्ली कंप्लीटेड मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक साल में ही कंप्लीट हो गया है। और अपने को क्या बनाना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बनाना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ यूनिक कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ यूनिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और कौन सा अकाउंट है ये? वाशी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है ना, बंगलो कहां पे बना रहे हम लोग? वाशी में बना रहे ना, तो वाशी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके, ये डेबिट साइड इनर आउटर कॉलम, और क्रेडिट साइड में भी इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। ठीक है, डन, कॉलम इज डन। हो गया ना कॉलम? चलिए डेबिट साइड में सब खर्चा लिखेंगे ना। पहला खर्चा काय का लगा है बोलिए? मटेरियल का। कितना? 5 लाख लिखिए यहाँ पे। टू मटेरियल 5 लाख। टू मटेरियल 5 लाख। फिर दूसरा खर्चा काय का लगा है? लेबर का। कितना? 3 लाख। सो टू लेबर 3 लाख। टू लेबर 3 लाख। ओके, और क्या खर्चा हुआ है? ओवरहेड्स। कितना ओवरहेड्स? 1 लाख। सो टू ओवरहेड्स 1 लाख। ठीक है ना, अभी खर्चा इतना ही है ना। अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखने का? बाय कॉन्ट्रैक्ट ही। क्या लिखने का? बाय कॉन्ट्रैक्ट ही। ओके, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखेंगे। कितने का कॉन्ट्रैक्ट था बोलिए? 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है ना, तो क्रेडिट साइड में 10 लाख लिख देने का। हो गया, अभी अकाउंट क्लोज करेंगे। हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड 10 लाख है ना, तो दोनों तरफ 10 लाख 10 लाख। ओके, बैलेंस कितना बचेगा? 1 लाख। और ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा ना। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा? क्योंकि 100% काम कंप्लीट हो चुका है, राइट? तो 100% काम अगर कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो भी प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट है। ओके, इसीलिए पूरा किस में चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? सिंपल है ना एकदम? ठीक है,